हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आरतीज लाइफस्टाइल में। आज हम आए हैं चितरंजन पार्क के काली मंदिर सोसाइटी में। यहाँ के एक छोटे से सेक्शन में हर साल माँ दुर्गा की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, तो चलिए चलते हैं, घूमकर देखते हैं इस जगह को। ये है वो जगह जहाँ पर हर साल माँ दुर्गा की मूर्तियाँ बनती हैं और दिल्ली के कोने कोने में जाती हैं। लेकिन कोविड की वजह से इस साल भी दुर्गा पूजा उतने ग्रैंड स्केल में नहीं हो पा रही है, इसलिए मूर्तियाँ भी कम बन रही हैं और जो बन भी रही हैं उनका साइज काफ़ी छोटा है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। बीइंग अ बंगाली, दुर्गा पूजा से पहले माँ दुर्गा की मूर्तियों को बनते देखना हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर। दो ढाई महीने की कड़ी मेहनत के बाद ये मूर्तियां इतना खूबसूरत रूप लेती हैं। और दो चार दिन में दुर्गा पूजा है, इसलिए चल रही हैं इन मूर्तियों की लास्ट मिनट टचअप्स। हर साल की तरह अनगिनत मूर्तियां तो नहीं हैं यहाँ पर कुछ मूर्तियां यहाँ बनी हुई हैं और सारी ही बहुत ही प्यारी हैं। कंसेप्शन हो या ब्यूटी, दोनों ही शानदार है। इस मूर्ति को आप देखें, कपड़ों से लेके जेवर तक हर चीज मिट्टी की बनी हुई है। इसको एक्चाला मूर्ति कहते हैं, यानी कि पांचों मूर्तियां एक ही फ्रेम में बनी हुई हैं। इसमें आपको माँ दुर्गा के अलावा लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, महिषासुर, शेर, महादेव सब दिखाई देंगे। इन मूर्तियों को बनाने के लिए कारीगर स्पेशली वेस्ट बंगाल से आते हैं। लास्ट मिनट टचअप्स के चलते आपको हर जगह कलर्स बिखरे हुए दिखेंगे और बाकी सारी छोटी छोटी चीजें जो आखिरी टाइम पे मूर्तियों की सजावट के लिए जरूरी हैं। दुर्गा पूजा के बाद ही दिवाली पर आती है काली पूजा, उसकी भी मूर्तियां मैंने यहां बनती हुई देखी। इन मूर्तियों को डेकोरेट करने के लिए बचे हैं सिर्फ बाल लगाने। ये है वो बाल जो कि इस ग्लू की मदद से इन मूर्तियों पर चिपकाए जाएंगे। मूर्तियों को डेकोरेट करने के लिए ये जो कॉस्ट्यूम डेकोरेशंस हैं, इसे कहते हैं शोलार शाज। दिस इज मेड अप ऑफ फाइन क्वालिटी थर्मोकोल। ये आपको गोल्डन कलर में, सिल्वर कलर में या फिर टिपिकल ट्रेडिशनल व्हाइट कलर में भी दिखाई देंगे। इस तरफ की सारी मूर्तियां आर रेडी टू डिस्पैच, आज या कल में ही ये चली जाएंगी। ज्यादातर ये पंडालों के लिए नहीं, घरों की पूजा के लिए बने हैं। हर मूर्ति की डेकोरेशन एक से बढ़कर एक है, बताना असंभव है कि ज्यादा सुंदर कौन सा है। एवरीवन इज यूनिक इन इट्स ओन टेक्सचर, कलर एंड ब्यूटी। कोविड के चलते कुम्हारों को भी बहुत ही नुकसान है।
पिछले साल तो मूर्तियां बनी ही नहीं थी, इस साल भी ना के बराबर बनी है। यहाँ की सारी खूबसूरत मूर्तियां तो हमने देख ली। उम्मीद करती हूँ अगले साल कोविड नहीं होगा और दिल्ली में दुर्गा पूजा पहले की तरह लार्ज स्केल में होगी। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बार यहाँ का काली मंदिर भी देख लेते हैं। बंगालियों का ये बहुत ही फेमस पुराना और खूबसूरत मंदिर है, तो चलिए चलते हैं। इस जगह पर पहुंचना बहुत ही आसान है। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है नेहरू प्लेस वायलेट लाइन मेट्रो, और अगर आप अपने व्हीकल से आना चाहते हैं तो गूगल मैप फॉलो करें। चितरंजन पार्क को दिल्ली का मिनी बंगाल भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको बंगाली कल्चर, यहाँ का खान पान वगैरह बहुत ही आसानी से दिखाई देगा। यहाँ का काली मंदिर भी इसी चीज का एक प्रतीक है। कहा जाता है ये चितरंजन पार्क का सबसे पुराना मंदिर है। दुर्गा पूजा भी यहाँ पर हर साल बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में मिलेंगे सीआर पार्क के 33rd हैंडलूम एक्सपो के वीडियो के। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।